जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। ए इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू दी गई है यहाँ और बी की वैल्यू यहाँ दी गई है, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 5b। मतलब 3a का मतलब a में 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है और b में 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए हम यहाँ से वैल्यू ही निकालते हैं, 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम a में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए सब में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7, फिर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। और माइनस हम करते हैं 5b, देखिए b में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या मिल रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए हुआ 1, 2, 4, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम 3a में से 5b को माइनस करेंगे, तो चलिए हम माइनस कर देते हैं यहाँ, देखें आप तो यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन थीटा से दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों को ऐड कर देना है। चलिए हम कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और फिर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस हम साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा और फिर नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखते हैं, चलिए अब जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ज़रा देखिए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और फिर यहाँ देखेंगे तो ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और फिर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, तो ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया और ये वन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का सलूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकेंड पार्ट देखा जाए। फर्स्ट पार्ट इजी है, उसको आप लोग कर लेंगे और इसी पे बेस्ट है उसको देखना है। दिया हुआ है फाइंड यक्स एंड वाई, यानी यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए एक काम करेंगे, इसको हम एक पहले वाले को इक्वेशन नंबर वन मानते हैं, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर टू मानते हैं और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके या तो y को इक्वल करें या x को इक्वल करें, दोनों में से किसी एक को इक्वल करते हैं। अगर हम x को इक्वल करना चाहें तो इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय थ्री इन इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन टू। तो चलिए हम वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स और प्लस हो जाएगा नाइन वाई इजिकल टू। देखिए थ्री से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सब में सभी एलिमेंट में थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, फिर ट्वेल्व हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। सब में थ्री से मल्टीप्लाई किए, अब जो है इक्वेशन टू को हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इजकल टू। देखिए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये फोर हो जाएगा, ये माइनस फोर होगा और ये माइनस टू होगा और ये टेन हो जाएगा। अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फोर लिख सकते हैं। थ्री में से फोर को माइनस कर दीजिए, तो चलिए हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ज़रा देखिए तो सिक्स एक्स से सिक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ज़रा ये देखिए नाइन वाई माइनस फोर वाई ये हो जाएगा फाइव वाई इज इक्वल टू। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है और चलिए हम माइनस करते हैं, फिर देखिए क्या मिल रहा है। तो ये सिक्स माइनस फोर टू हो जाएगा, नाइन माइनस माइनस फोर तो प्लस फोर, तो ये हो जाएगा थर्टीन। और फिर देखें ट्वेल्व माइनस माइनस टू यानी प्लस टू तो ये हो जाएगा 14। और फिर यहाँ देखें 0 माइनस 10 तो माइनस 10 हो जाएगा, ये y की वैल्यू निकल गई, सॉरी 5y की वैल्यू निकल गई। अब अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब सभी एलिमेंट को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 2/5, ये 13/5, ये हो जाएगा 14/5 और ये हो गया 10/5। तो 10 को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू फाइंड हो गई, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या करें, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर वन में हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ज़रा देखिए क्या मिलेगा। अगर यहाँ से 2x की वैल्यू हम फाइंड करें तो यहाँ पर है 2430 और ये 3y अपोजिट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -3y। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 2x इजकल टू, ये है 2430 -3y। y में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू ये है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/5
फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39/5, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 42/5, और फिर 3 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब देखें फिर क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। ये हो जाएगा 2 -6/5 और ये 3 -39/5, फिर ये हो जाएगा 4 -42/5 और ये देखिए 0 --6 तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 2x इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करें, 5 × 2 = 10, 10 - 6 ये हो जाएगा 4/5 और यहाँ देखिए 5 × 4 = 20, 20 - 42 ये हो जाएगा -22/5 और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 × 3 = 15, 15 - 39 तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 15 - 39 ये हो जाएगा आपका -14, ठीक है ना, 24 हो जाएगा, हा? ये हो गया 24 और 24/5 और ये हो गया 6। तो अब देखें ये तो 2x की वैल्यू है, लेकिन आपसे तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये हो जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू निकली, आपसे x और y की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो x की वैल्यू ये मिली और y की वैल्यू ये मिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू दी गई है और 2x प्लस y की वैल्यू दी गई है। तो चलिए x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 2x इक्वल टू y को अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो फिर ये मिलेगा आपको 1 - 3 = 2 और माइनस हो जाएगा वाई, फिर रखते हैं वैल्यू 2x इज इक्वल टू 1 - 3 = 2 और माइनस वाई, वाई की वैल्यू है 3, 1, 2, 4, चलिए माइनस करते हैं, 2x इज इक्वल टू देखिए 1 - 3 - 2 हो जाएगा, 0 - 2 - 2 हो जाएगा, -3 - 1 - 4 हो जाएगा और 2 - 4 - 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -1 ये -1, तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, यही आपको सॉल्व करना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। आप बेल आइकन को तो प्रेस करिए ही, आप वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।